मित्रों, आपका नव चेतना यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज अपन मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री या पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री के बारे में बात करेंगे। मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री जिनका नाम था श्री मंडलोई, इनका पूरा नाम था भगवत राव अन्ना भाऊ मंडलोई। इनका जन्म 15 दिसंबर 1892 में जिला खंडवा में हुआ था। खंडवा मध्य प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगा हुआ है। इनके पिता का नाम अन्ना भाई मंडलोई और माता का नाम नत्थुभाई मंडलोई था। इन्होंने इनकी जो शिक्षा थी सागर से इन्होंने मैट्रिक किया। सागर से मैट्रिक करने के बाद ये जबलपुर आ गए। जबलपुर से इन्होंने बीए किया। बीए के बाद ये इलाहाबाद चले गए और वहाँ से उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की और इन्होंने लॉ बहुत अच्छे नंबरों से किया। 1917 से इन्होंने वकालत का काम शुरू कर दिया। उसके बाद 1919 से 1922 तक ये खंडवा के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ये नगर पालिका के सदस्य रहे और इनकी जो कर्म भूमि थी या जो इनका कार्य क्षेत्र था, जो इनकी श्रद्धा थी, वो खंडवा के लिए आई थी क्योंकि खंडवा इनका पैतृक शहर था और इन्होंने अपना पूरा जीवन खंडवा के उत्थान और विकास के लिए लगा दिया। 1922 से 1925 तक ये खंडवा नगर परिषद के नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद 1925 से 1933 तक और 1944 से 1948 तक ये नगर पालिका के अध्यक्ष रहे। माने इन्होंने नगर पालिका के काम के लिए, नगर के विकास के लिए पूरा योगदान दिया। इनका पूरा जीवन करीब करीब उसमें निकल गया। उसके बाद ये खंडवा की राजनीति से, ये खंडवा जिले की राजनीति से बाहर निकले और ये गांधी जी के संपर्क में आए। 1939 में इन्होंने आंदोलनों में भाग लेना शुरू किया और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का जब गांधी जी ने जब आह्वान किया, 1942 में ये घंटाघर से एक भाषण देते हुए गिरफ्तार किए गए। 1947 में जब मध्य प्रांत और बरार का संविधान सभा के ये सदस्य चुने गए और इनको संविधान बनाने में इनका सहयोग लिया गया। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत मध्य भारत के नए मध्य प्रदेश में विलय कर दिया गया। मध्य भारत को विलय करके नया मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। ये 31 अक्टूबर 1956 में हुआ। माने 1 नवंबर से मध्य प्रदेश का उदय माना जा सकता है। उसके बाद इन्होंने 1952 में, 1957 में और 1962 में तीन बार पंचवर्षीय योजना में या तीन बार विधानसभा में ये निर्वाचित हुए और इन्होंने खंडवा से बाहर निकल के पहले बार काम किया। मंडलोई जी पहले बार मिनिस्टर बने जब ये 1962 में चुनाव जीते थे। उसके बाद 31 दिसंबर 1956 में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर प्रसाद जी का हृदय गति रुक जाने के कारण दिल्ली में निधन हुआ तो इनको पहले बार मुख्यमंत्री बनाया गया। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे। इनका जो कार्यकाल था वो 31-1-1957 से केवल 21 दिन का रहा। 21 दिन बाद इनको हाईकमान के निर्देश पे इनने अपना मुख्यमंत्री पद छोड़ा और कैलाशनाथ कारजू इस प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री बने। 1962 के आम चुनाव में कैलाशनाथ कारजू के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला मगर दुर्भाग्यवश कैलाशनाथ कारजू चुनाव हार गए। ये मुख्यमंत्री रहते हुए इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया मगर कांग्रेस को तो बहुमत प्राप्त हो गया मगर ये चुनाव हार गए। कैलाशनाथ कारजू के चुनाव हार जाने के कारण श्री मंडलोई जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया और इनका जो कार्यकाल था वो 12 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक रहा। मगर क्योंकि कुछ राजनीति प्रदेश की कुछ ऐसी हो गई कि इनको इस्तीफा देना पड़ा और इन्होंने 29 सितंबर 1963 में इस्तीफा दे दिया। 29/9/1963 को इस्तीफा
देने के बाद श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा को मुख्यमंत्री बनाया गया। द्वारका प्रसाद मिश्रा जबलपुर से निर्वाचित हुआ करते थे और उन्होंने फिर आगे का काम शुरू किया। 1967 में जब इनका कार्यकाल विधानसभा का पूरा हो गया तो इन्होंने ये धीरे धीरे करके अवकाश पे चले गए और इन्होंने अपना एकाकी जीवन शुरू किया। बहुत सादे और दृढ़ निश्चयी थे ये। 1970 में जब इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थे इस देश में तो उन्होंने उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया। 1967 में जब ये सत्ता में नहीं थे और जब ये पहले मुख्यमंत्री थे तब ये इतने ज़्यादा सीधे साधे और सरल स्वभाव के थे, इनकी पहुंच इतनी आसान थी। एक बार की बात है कि बरेली जिला के कुछ लोगों ने इनसे शिकायत की कि फलाना कोई अफसर है जो उनको तंग करता है, काम नहीं करता है, ऑफिस में नहीं मिलता है, भ्रष्टाचारी है, इसका ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये वादा करके आ गया कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे। हमारे ये भूल गए, भोपाल में आके जब वो लोग फिर से मिले, फिर से उन्होंने कहा तो बोले लगे हम अभी तुरंत कर देंगे, और ये फिर भूल गए। इसके बाद घटना ऐसी हुई कि ये लोग जब वापस बरेली गए तो उन्होंने उस अफसर को पीट दिया, उससे बहुत हल्ला मचा और फिर इनको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने उसका ट्रांसफ़र किया। कहने का तात्पर्य ये है कि ये बहुत सीधे साधे सज्जन और सीधा सीधा काम करने वाले, सात्विक जीवन जीने वाले थे। 3 नवंबर 1977 में इनका निधन हो गया और इस देश ने अपना सपूत फिर से खो दिया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया कर सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।